मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा ने यूक्रेन में जंगी कोशिशों में मदद के लिए सैकड़ों ड्रोन अतिया करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि ड्रोन बुनियादी तौर पर निगरानी के मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तवक्को है कि ड्रोन मौसम बहार तक यूक्रेन को पहुंच जाएंगे। अतालवी वजीर आजम अगले माह कनाडा का दौरा करेंगी। इटली की वजीर आजम 2 मार्च को टोरंटो का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान आलमी चैलेंजेस से मुतालिक गुफ्तगू ज़ेरे गौर आने का इम्कान। कैनेडियन वजीर खारजा की म्यूनिख में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात बेहतर बनाने का अज़्म। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि कैनेडा के साथ खुशगवार ताल्लुकात देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान, शदीद बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग में 25 अफराद जान बहक। अफगानिस्तान में लैंडस्लाइडिंग में 20 मकाना तबाह और 50 के करीब अफराद मलबे तले दब गए। खराब मौसम के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर दिफा बिल ब्लेयर ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत यूक्रेन में जंगी कोशिशों में मदद के लिए 800 से ज़्यादा ड्रोन अतिया कर रही है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर दिफा बिल ब्लेयर ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत यूक्रेन में जंगी कोशिशों में मदद के लिए 800 से ज़्यादा ड्रोन अतिया कर रही है। स्काई रेंजर R70 ड्रोन वाटरलू ऊंट में बनाए गए हैं और ये 3.5 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। ब्लेयर ने पीर को कहा कि जासूस के मिशन को अंजाम देने के लिए ड्रोन्स को निगरानी के कैमरों के साथ जोड़ा जा सकता है। बिल ब्लेयर ने टोरंटो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ये ड्रोन्स यूक्रेन के फ्रंट लाइन फौजियों को अहदाफ और खतरात का जल्द दुरुस्तगी और तासीर के साथ अंदाज़ा लगाने में मदद करने वाले हैं। ड्रोन्स की लागत तकरीबन $95 मिलियन 500 मिलियन फौजी इमदादी पैकेज से आती है, जिसका ऐलान हुकूमत ने जून में किया था। बिल ब्लेयर ने कहा कि तवक्को है कि ड्रोन मौसम में बहार तक यूक्रेन को पहुंच जाएंगे। कनाडा का यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मग़रिबी इत्तेहादियों पर जोर दिया है कि वो अपने मुल्क को मजीद फौजी इमदाद, खासतौर पर तवील फासले तक मार करने वाले जंगी साजो सामान फराहम करें। ज़ेलेंस्की ने पीर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रूस फौजी इमदाद में तखीर का फ़ायदा उठा रहा है। कई इलाकों में फ्रंट लाइन पर सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है, खास तौर पर जहां रूसी अफवाज ने अपने ज़खायर की अक्सरियत को मरकूज रखा है। ब्लेयर ने कहा कि कनाडा ने अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए नैसम्स खरीदने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन ये खरीदारी उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जब तक कांग्रेस से फौजी इमदाद की मंजूरी नहीं दी जाती। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर का कहना है कि उनकी अतालवी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी अगले माह कैनेडा का दौरा करेंगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर का कहना है कि उनकी अतालवी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी अगले माह कैनेडा का दौरा करेंगी। मेलोनी 2022 में मुंतखब होने के बाद अपने पहले दौरे में 2 मार्च को टोरंटो का दौरा करने वाली हैं। ट्रूडो के दफ्तर का कहना है कि वो यूक्रेन और मशरक़ वस्ती की जंगों के साथ साथ अफ्रीकी शराकत दारों के साथ तआवुन समेत आलमी चैलेंजेस पर बात करेंगी। गुज़िश्ता साल G7 रहनुमाओं के सरबराही इजलास में मेलोनी के साथ मुलाकात में ट्रूडो की जानिब से LGBTQ+ के मामलों पर इटली के मौक़िफ़ पर तनकीद करने के बाद दोनों अवामी झगड़े में आ गए। ट्रूडो हम जिन्स वालदैन वाले ख़ानदानों में वालदैन के हकूक़ की शनाख्त को सिर्फ हयातियाती वालदैन तक महदूद करने के लिए उनकी हुकूमत के इकदाम पर रद्दअमल जाहिर कर रहे थे। मेलोनी ने बाद में इस तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रूडो जाली खबरों का शिकार हो गए हैं।
चीनी वजीर खारजा वांग ई ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान दावत पर कैनेडियन वजीर खारजा जोली से मुलाकात की। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और चीनी वजीर खारजा वांग ई ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान दावत पर कैनेडियन वजीर खारजा जूली से मुलाकात की। चीनी मीडिया के मुताबिक वांग ई ने कहा कि चीन और कैनेडा के ताल्लुकात तवील अरसे से मगरबी ममालिक के साथ चीन के ताल्लुकात में सर फहरिस्त हैं और मौजूदा मुश्किल सूरत हाल वो नहीं जो चीन देखना चाहता है। चीन कैनेडा ताल्लुकात को इस्तेहकाम, बेहतरी और तरक्की की तरफ वापस लाना दोनों ममालिक के बुनियादी मफाद में है। चीन और कैनेडा की मईशतें इंतहाई तकमीली नौयत की हामिल हैं और उनमें मफादात का कोई बुनियादी टकराव नहीं है। दोनों फरीक एक दूसरे के हरीफ नहीं हैं, इसलिए दोनों को तआवुन पर मबनी शराकत दार बनना चाहिए। चीन और कैनेडा मुख्तलिफ निज़ाम, तारीख और सकाफत के हामिल हैं। उन्हें एक दूसरे का एहतराम करना, इत्तेफाक राय को बढ़ाना और एतमाद को दोबारा परवान चढ़ाना चाहिए ताकि जीत तआवुन हासिल किया जा सके। वांग ई ने उम्मीद जाहिर की कि कैनेडा चीन के बारे में सही फहम कायम करेगा, दो तरफा ताल्लुकात को तवील मुद्दती नुक्ते नज़र से समझेगा और अमली तआवुन के मुस्बत रुझान पर कायम रहेगा। चीन के हवाले से खतरे के नज़रिए को ख़त्म करेगा। नाम नहाद चीन की कैनेडा के अंदरूनी मामलों में मदाखलत के हवाले से झूठी मालूमात के फैलाव से इज्तनाब करेगा और ठोस तआवुन के जरिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात की सियासी बुनियाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अफगानिस्तान में मुसलसल होने वाली बारिशों और बर्फबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और मामूलाते ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में मुसलसल होने वाली बारिशों और बर्फबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और मामूलाते ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए। तालिबान हुकाम ने बताया कि सूबे नूरिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 20 मकानात तबाह हो गए और मलबे में 50 के करीब अफराद दबे हुए हैं, जबकि खराब मौसम के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी से अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नूरिस्तान और पंजशीर सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं और ये इलाके मुल्क के दीगर हिस्सों से कट कर रह गए। इमदादी कामों के दौरान मलबे से 25 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 8 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 3 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मलबे तले अब भी कई अफराद दबे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी काम को मुसलसल बर्फबारी के बायस रुकना पड़ा। याद रहे कि अगस्त 2021 में तालिबान के इक्तदार संभालने के बाद से अफगानिस्तान के असासे मुंजमद हैं, जबकि आलमी इदारों ने फंडिंग भी रोक दी है, जिसके बायस नागहानी आफत से निमटने के लिए दरकार मशीनरी और अफराधी क़ुव्वत की कमी का सामना है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।